जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा बात को समझने का कोशिश करो। जब मैं थानसा बोलता हूँ, मैं क्यों थानसा बोलता हूँ? आज हम लोग 90% से 30% हो गया है, और आज भी अगर हमारा थानसा नहीं रहा तो आने वाला 5-6 साल में हम लोग 25%, 20%, 15% हम लोग ख़त्म ही हो जाएगा। इसी के लिए मैं हमेशा क्या बोल रहा हूँ कि आप लोग, हम लोग का प्रॉब्लम क्या है? हम लोग का प्रॉब्लम, तिप्रासा का प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को बांटने के लिए बहुत आसानी से हम लोग को बांट सकता है कोई भी। कोई धर्म के नाम में बांटता है, क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, कोई जाति के नाम में कि हम ब्रू है, हम देव बर्मा है, हम त्रिपुरा है, हम कोलोय है, हम जमातिया है, हम उच्चोय है, हम रूपिनी है, हम रांगखोल दारलोंग है, ऐसा करके हम लोग को डिवाइड किया जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आज हम लोग 30% है और आज भी हम लोग एक नहीं हुआ, थनसा नहीं हुआ, तो आने वाला जनरेशन को क्या हम लोग देंगे? मैं पॉलिटिक्स को देखकर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हम लोग को थानसा तोड़ने के पीछे कौन है। कोई तिप्रासा है? नहीं, लेकिन हमारा ही तिप्रासा का लीडर को थोड़ा सा लालच दिला के हमारा थानसा तोड़ने का बहुत कोशिश किया जाता है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, एक साल बाकी है, अगर एक साल आपने थानसा रखा तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन को कुछ मिलेगा। अगर हम लोग एक साल भी एक नहीं रहा तो हम आपको बोल रहा है कि आने वाले ज़माने में, आने वाले दिन में ना रहेगा तिप्रासा, ना रहेगा दोफा। आप सोचो, नेक्स्ट जनरेशन के बारे सोचो, यूथ के बारे सोचो, हम लोग का भविष्य के बारे सोचो। मैं अपील करता हूँ, पॉलिटिशियन बन के नहीं अपील करता हूँ, मुबाकरा बन के अपील करता हूँ। मैंने अपने बारे कभी नहीं सोचा है, मैंने दफा के बारे सोचा है, और अगर आप लोग भी मेरे बोले हुए रास्ते में चलेंगे तो हमको कुछ मिलेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, करप्शन, कॉन्ट्रैक्ट, पोस्ट का कुछ मतलब नहीं रहता है अगर हम लोग थानसा में एक नहीं होता है। जो हमारा कम्युनिटी लीडर्स है, आप लोग को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, त्रिपुरा का जो राज्य था, हज़ार साल तक रहा, क्योंकि किसी ने, जब अंग्रेज ने हम लोग के ऊपर शासन करने का कोशिश किया तो हम लोग तिप्रासा बनकर एक रहा, जब मुगल ने हम लोग के ऊपर शासन करने का कोशिश किया तो हम लोग तिप्रासा बन के एक रहा, लेकिन आज के दिन हम लोग तिप्रासा कम और देव बर्मा, त्रिपुरा, ब्रू, जमातिया, रंगखोल ये ज़्यादा हो गया है। क्यों? मैं आपको फिर से अपील करता हूँ, दोफा के बारे और फ्यूचर जनरेशन के बारे सोचो, और थानसा लाओ, और एक संग होकर एक आवाज़ में ग्रेटर तिप्रालैंड का बारे सोचो। अगर अपना राज्य होगा तो हमको कुछ मिलेगा, वरना हम लोग आज जो 30% है, आने वाले 5-6 साल में 20%, 15% हो जाएंगे।